ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधा दीनबंधा जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थ सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता पाठ में, और हम अध्ययन कर रहे हैं गीता के द्वितीय अध्याय का 55वां श्लोक। पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञ के विषय में कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई है, उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या व्याख्या है, कैसे उसको जाना जाता है और वो किस प्रकार से व्यवहार करता है समाज में, और जब स्वयं अपने आप में रहता है तो किस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है,
उसके विषय में उन्होंने प्रश्न किया था। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो भगवान उनके इस प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, भाषा माने परिभाषा, उसका लक्षण क्या है, उसको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो उसका उत्तर ये इस 55वें श्लोक में दे रहे हैं। और बाकी तीन प्रश्नों का उत्तर फिर अंत तक, द्वितीय अध्याय के अंत तक चलेगा। तो इस श्लोक में कहते हैं श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मन की समस्त तृष्णाओं को त्याग देता है और आत्मा के आनंद से केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ उन्होंने स्थिर बुद्धि व्यक्ति की परिभाषा दी है, उसका लक्षण बताया। और ये केवल हमें ऐसा नहीं है कि दूसरों को जानने के लिए ही है कि दूसरा स्थिर बुद्धि है या नहीं, सबसे पहले तो अपने को जानने के लिए, क्योंकि प्राय करके हम ये सोचते हैं कि दूसरों को पहचानना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मैं हूँ ऐसा या नहीं हूँ। क्योंकि आप नहीं हैं, दूसरा है या नहीं है, उससे आपका क्या प्रयोजन होने वाला है। तो इसलिए इसको, श्लोक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक मार्ग पर जो पथिक हैं उनके लिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जिसकी कामनाएं छूट गई हैं या छोड़ दी गई हैं, तो सर्वान कामन, और इसका एक विशेषण दिया है मनोगतान, कि ये कामना कहाँ पर रहती है, कामना का अधिकरण क्या है, इनका निवास स्थान कहाँ है, इनका कौन सा कमरा है जिसमें कामनाएं रहती हैं। तो कहते हैं कि ये मनोगतान है, मन में गई हुई हैं। मनोगत माने मन में गई हुई हैं। तो इससे एक तो ये चलता है कि ये हमारा कोई स्वरूप नहीं है, जितनी भी कामनाएं हैं ये आत्मा में नहीं है। तो ये अच्छी बात है, अगर आत्मा में होती तो फिर इनको छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो हमारे स्वरूप में है हम उसको कैसे त्याग सकते हैं। तो ये समझना होगा कि आत्मा जो है वो, कामना जो है वो आत्मा में नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। न्याय में ऐसा बोलते हैं, न्याय दर्शन में, कि वो सब आत्मा में रहती है, लेकिन यहाँ वेदांत में, गीता में, भागवत में ये बताया कि ये मन के धर्म हैं, यानी कि मन में आते जाते हैं। धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि मन में हमेशा ही रहते हैं, धर्म का मतलब ध्रियते इति, धर्म जिसको धारण किया जाए, जो रखा जाए। जैसे पानी, आप एक ग्लास लें, ग्लास में पानी है तो ग्लास का धर्म है। धर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ यह भी है जो चीज़ किसी में रहती है वो उसका धर्म कहलाता है। तो अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं तो आप कमरे का धर्म हैं, क्योंकि कमरा आपको धारण कर रहा है। जो चीज़ धारण की जाती है वो धर्म होता है, और जिससे धारण होता है वो भी धर्म होता है, वो अलग व्याख्या है। तो धारणा धर्म इति आहु, वो अलग व्याख्या है। तो ये मन के धर्म है। तो इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मन को धारण कर रहे हैं, नहीं, मन में ये रहते हैं, इसलिए इनको मन का धर्म कहा जाता है। तो इनको जो छोड़ देता है, इसका मतलब ये आती हैं और जाती हैं, तो आपको इन्हें पकड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब यही है ना कि उसको पकड़ो मत, क्योंकि कामना आई और हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और कामना कहे कि मेरे को छोड़ दो, कहते नहीं, कैसे छोड़ देंगे आपको, आप तो हमारा जीवन है, आपके बगैर हम कैसे जी सकते हैं। तो कामनाओं से हमें ऐसा प्रेम हो जाता है कि उसी में हम अपना जीवन लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेमी होता है उसको छोड़ते नहीं है ना, उसको तो हम गले से लगाना चाहते हैं, उसके साथ में रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं।
तो ऐसे ही कामना हमारी प्रेमी हो गई है। कामना वास्तव में हमसे कुछ नहीं कहती, हम ही उनको पकड़ लेते। मन में विचार आया आके चला जाएगा, लेकिन हमने पकड़ लिया तो जाएगा नहीं, फिर वो वहीं रहेगा। तो जैसे वो आता है वैसे वो जा भी सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जो आती है वो जाती है। भगवान ने कहा है कि जो वस्तु जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये कामनाएं जो हैं ये मन में ही पैदा होती हैं, इसलिए इनको मनोज कहते हैं या मनसिज कहते हैं। इनका जन्म मन में होता है। वो तो आप कोई वस्तु देखते हैं, जैसे आपने अभी आजकल आम की ऋतु है, तो आम आपने खाया, आम का स्वाद आपको पसंद है, आपने आम देखा तो मन में इच्छा हो जाती है कि मैं आम खाऊं। तो पहले नहीं थी, उसको देखकर आ गई। संगात संजायते कामः, आगे भगवान कहेंगे गीता में कि किसी विषय के साथ में संग होने से उसके प्रति कामना पैदा हो जाती है। तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कामना ही जो है वो बुद्धि को चलाती है। क्योंकि प्रश्न ये किया गया ना कि जिसकी स्थिर बुद्धि होती है वो उसका क्या लक्षण है, तो कामना जो है वो बुद्धि का ड्राइवर है। क्योंकि आपके मन में इच्छा हो गई, लेकिन हमारे मन में अनेक इच्छाएं आती हैं, सबके ऊपर तो हम कार्य नहीं करते हैं ना। हम बाजार में जाते भी हैं, इच्छा होती है खरीद लूँ, लेकिन जेब में पैसा नहीं है या हमारा अभी बजट नहीं है उसको खरीदने का, तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं खरीदना। तो वो निर्णय जो है वो बुद्धि से लेते हैं। तो सबसे इसकी प्रक्रिया समझिए कि पहले विषय के साथ में संपर्क होता है हमारी इंद्रियों के माध्यम से, फिर इच्छा उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना उत्पन्न होती है फिर उसका हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि इसको मैं कामना को पूर्ण करूं या ना करूं। और जब आप निर्णय ले लेते हैं कि मेरे को यह कामना पूरी करनी है, फिर उसके लिए आप योजना बनाते हैं, फिर उसके लिए आप काम करते हैं, और फिर कामना पूरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो तो भगवान ने पहले ही कहा था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार स्वातंत्र्य कर्म करने में है, और फल में आपका स्वातंत्र नहीं है। फल आपके अनुरूप आ सकता है और अननुरूप भी आ सकता है, विरुद्ध भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, या थोड़ा आ सकता है, थोड़ा नहीं आ सकता है। अनेक प्रकार के होते हैं फल। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब है कि उनमें आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि कुछ कामनाएं तो ऐसी हैं जो आवश्यक हैं। अब यहाँ तो भगवान ने कहा सर्वान कामन, सब कामनाओं को छोड़ दें, क्योंकि आप कुछ कामनाओं को छोड़ भी सकते हैं तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे उस। अगर सर्वान नहीं कहते, कहते कामान मनोगतान प्रजाति, कि मन में गई हुई जो कामना उनको छोड़ दो, तो आपके मन में 50 कामना, मानो आपने 25 छोड़ दी, तो आप भी कहेंगे यार हमने तो छोड़ दी, हम तो स्थिर बुद्धि हुए नहीं, अभी बाकी जो रहती हैं। इसलिए सर्वान कामन कहा, क्योंकि एक भी कामना रहेगी तो वो आपको चलाएगी, वो आपके मन को उद्वेग देगी, तो इसलिए सर्वान कामन। लेकिन कुछ कामनाएं आवश्यक हैं, जैसे आपको भूख लगी तो खाने की कामना होगी, तब कह जी नहीं हम तो खाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा स्थिर बुद्धि होने के लिए तो सब कामना छोड़ दीजिए, तो आप मर जाएंगे भूख से। और आपको नींद आ रही है, सोने की कामना होगी, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, मानो खाने को थोड़ा आप सहन भी कर सकते हैं कि चलो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब नींद आएगी तब क्या करें। तो जो आवश्यक हैं, लाभो जीवे तयावता, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वो तो हमको करनी पड़ेंगी, लेकिन उनमें भी आसक्ति नहीं रखनी है। आगे इसलिए आगे वाले श्लोक में भगवान इस बात को कहेंगे, वीतराग भय क्रोध, क्योंकि वास्तव में कामना बुरी नहीं है, कामना में जो आसक्ति रहती है वही समस्या का कारण है।
तो पहले तो ये देखना है कि जो मैं कामना कर रहा हूँ वो वास्तव में मेरे लिए लाभदायक है या नहीं है, वो मेरा मेरे उद्देश्य के प्रति मेरे को ले जाएगी या उसके विरुद्ध में ले जाएगी। हम जो भी काम करते हैं उसमें इसलिए करते हैं ना कि इससे मेरे को सुख प्राप्त हो, इससे मेरे को आनंद प्राप्त हो। तो ये देखना है कि इसका फल जो है वो आनंद में परिणत हो गया नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस समय आप करते हैं उस समय आनंद आता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है वो दुखदायी होता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप करते हैं लेकिन करते समय दुख अनुभव होता है लेकिन बाद में फल आता है, तो उनको हम करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो करते समय भी दुख देती है और फल भी दुखदायी देता है, तो ऐसी को भी लोग करते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो करते समय भी सुख देती हैं और फल भी सुखदायक होता है, तो ये सबसे बढ़िया है। तो चार चार संभावना रहती हैं कि आप जो कर रहे हैं उस समय भी सुख, फल भी सुख, जब आप कर रहे हैं वो सुख बाद में दुख, उसको राजसिक सुख बोलते हैं, और जिसको आप कर रहे हैं उस समय दुख और अंत में सुख, और ऐसी जो दुख करते समय भी और अंत में भी दुख है वो तामसिक है, उसको भी लोग करते हैं। तो ये बुद्धि का काम है इसको देखना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हमारे दुखदाई हैं उनको हमें छोड़ना है। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। तो प्रजहाति का मतलब है कि उसको पूर्ण रूप से छोड़ना, जहाति का मतलब छोड़ना, और प्रजहाति उसको पूर्ण रूप से छोड़ना। तो ये कामनाएं चारों तरफ हमारे फैली हुई हैं। तो जैसे आकाश में शब्द रहता है, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत लोग टेलीफोन पर बात कर रहे हैं या बहुत लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, तो सब जो भी वो सुन रहे हैं वो इसी आकाश में ही है ना, लेकिन उन्होंने उस नंबर से अपना संपर्क जोड़ा हुआ है, वो जो टीवी का चैनल है उससे जोड़ा हुआ, तो उसको पकड़ सकते हैं उस ध्वनि को, और बाकी हमारा नहीं है तो हम उसको नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरा जितने भी हमारा ये वायुमंडल है, आकाश है, इसमें हजारों प्रकार की ध्वनियाँ चल रही हैं हर समय, क्योंकि आजकल कितने लोग टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो सब जगह व्याप्त है वो। तो ऐसे ही हमारे मन में भी बहुत विचार आते रहते हैं। आजकल जो मनोविज्ञान कहता है कि कम से कम 60,000 विचार आते हैं, उनमें विचारों में कामनाएं भी रहती हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं पकड़ते हैं ना। 60,000 तो बहुत ज़्यादा होती है, आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो मिनट में सैकड़ों, तो सैकड़ों नहीं तो 10 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो उन सबको हम नहीं पकड़ते हैं, और कुछ को हम पकड़ लेते हैं। तो उनको पकड़ना नहीं है, यही प्रजहाती है, क्योंकि कामनाएं तो आती रहती हैं। अगले सेकंड आपके मन में क्या विचार आएगा, क्या इच्छा उदित होगी, ये आपको पता नहीं है, तो हो जाती है। विषय को देखकर भी होती है, और जब आप सोते हैं रात को तब तो बाहर किसी भी विषय से आपका संपर्क नहीं है, तो फिर आपके चित्त में जो संस्कार बैठे हुए हैं उनसे आप विचार आते हैं, कामनाएं आती हैं। तो उन सबको छोड़ देना, यही प्रजहाति का मतलब है यहाँ पर। तो मन की विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का निरोध करना, यही है प्रजहाति। योग के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं। तो उन वृत्तियों को निरोध करना, ये ही प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान है। और फिर वो कहते हैं कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, के अपने आप में ही संतुष्ट रहना, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण उन्होंने बताया। तो दो चीज़ें उन्होंने कही हैं, एक तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी भौतिक विषयों में आसक्ति नहीं होती,
यहाँ भौतिक विषयों की बात हो रही है, क्योंकि आध्यात्मिक विषय में तो आसक्ति रहेगी ही, और दूसरा वो संतुष्ट रहता है अपने आप से। तो प्राय करके देखा जाता है कि समाज में कोई भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, मन में एक असंतोष रहता है, अतृप्ति रहती है, और इसलिए हम इधर उधर भागते रहते हैं। यानी कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ मैं उसमें नहीं रहना चाहता। आत्मनि एव आत्मनतुष्ट है, मतलब अपने आप में ही रहना। तो मतलब जहाँ मैं हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठीक है, आप जिस स्तर पर हैं उससे आगे आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से फिर हम उसी में पड़े रहते हैं, और जब संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरा हमसे कुछ अच्छा प्राप्त कर लेता है तो फिर उससे हमारी ईर्ष्या होती है, फिर हम दोष दर्शन करते हैं, फिर हमारा उसके साथ में कंपटीशन हो जाता है उससे आगे निकलना है। तो उससे फिर हमारी बुद्धि चलती रहेगी, स्थिर तो नहीं रहेगी ना, हम अपने ध्येय से भटक के किसी और के कंपटीशन में लग जाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं दूसरों से। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है, वैसे भी देखा जाए प्रायोगिक दृष्टि से, तो कोई भी व्यक्ति आजकल अकेला नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम ढूंढते हैं कोई मिल जाए बात करने वाला, और कुछ नहीं तो फेसबुक फ्रेंड तो बन ही जाए कम से कम। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है। ये कहता आत्मा के आनंद से केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहना। तो बाहर के विषयों में हम संतोष देखते हैं, और बाहर के विषयों में संतोष है नहीं, बाहर के विषयों में हम सुख ढूंढते हैं। तो भगवान इस विषय पर चर्चा आगे भी करेंगे, यहाँ भी इस आगे इस अध्याय में भी करेंगे, और आगे चल के भी करेंगे इस विषय को, कि जितने भी ये बाह्य विषय हैं वास्तव में इनमें आनंद है नहीं, लेकिन हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। और फिर वो मिल भी जाता है तो थोड़ी देर उसमें आपको शांति मिलती है, उसके बाद में फिर कुछ और अशांति पैदा हो जाती है मन में। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो असंतोष में ही रहता है, इसलिए हमें अकेलापन खाने को दौड़ता है। किसी को कहो कि आप कमरे में बैठ के ध्यान कर लो, भजन कर लो, तो वो नहीं होता। लोग कहते हैं हम वृंदावन आ जाएंगे तो क्या करेंगे पूरा दिन यहाँ पर, प्रश्न करते हैं। वैसे कहते हैं कि नहीं, हमको भक्ति करनी है, भजन करना है, यहाँ तो सब बहुत व्यवधान होता है, ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि नौकरी करते हुए हम कैसे करें। तो मैंने कहा ठीक है वृंदावन आ जाओ। तो फिर यहाँ के कहते हैं कि नहीं यहाँ क्या करूँगा मैं। तो आप उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हो, यहाँ भी नहीं रहना चाहते। विदेश में रह के हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो आप यहाँ रह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रह के भी आपको वही अकेलापन महसूस होगा। वास्तव में विदेश में अगर आपको भक्ति करनी है तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला आएगा नहीं वहाँ पे। अपने घर में रहिए, नौकरी भी करते हैं, नौकरी करो घर आ जाओ, कौन आ रहा है वहाँ पर फिर आपको मिलने? किसी के पास समय नहीं है। यहाँ तो लोग आए जाते हैं, कोई ना कोई खटखटा देता है। तो यहाँ भी नहीं रहना चाहते, कहते यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज नो सोशल लाइफ इन जीवा। शिकायत करते हैं। अब ये सोशल लाइफ ढूंढने के लिए आए हो क्या आप? स्थित प्रज्ञ बनने के लिए आए? तो ये क्या है कि आदमी अपने आप में संतुष्ट नहीं है, और उसने सुन लिया है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं, उसकी उसमें दृढ़ निष्ठा नहीं है। तो फिर वो यहाँ भी आके बोर हो जाता है, अकेला छोड़ दो उसको, चल ठीक है यहाँ कोई सेवा भी नहीं है, आप क्लास अटेंड करो और अपना भजन करो, तो कहेगा अरे ये क्या है, तो भागो यहाँ से। तो यहाँ रहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो जो आदमी अपने में असंतुष्ट है वो जहाँ भी जाएगा असंतुष्ट रहेगा। अगर कहीं जाएगा और वहाँ उसको संतोष मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा। जैसे मानो आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, तो आप यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे तो भूख क्या आपकी ख़त्म हो जाएगी? तो वहाँ भी भूख रहेगी।
लेकिन मानो वहाँ पे कुछ वातावरण थोड़ा बदल गया है, कुछ नई चीज़ जो आपने पहले नहीं देखी थी उसको आप देखने में आपका मन लग जाएगा, तो थोड़ा आपका मन बढ़ जाता है, तो लगता है आपकी भूख नहीं है अभी। लेकिन जब वो सब देख लिया तो उसके बाद में क्या होगा, फिर वैसे हो जाएगा। जैसे लोग छुट्टियों पर जाते हैं कहीं किसी रिजॉर्ट पर किसी वैकेशन के लिए, तो वहाँ जाके बहुत घूमते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो वैसे ही हैं, जैसे वो लोग यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं घूमने के लिए। और वहाँ अगर आप मानो परमानेंटली रहने लगे, जिस रिजॉर्ट पर आप गए इतना पैसा खर्च करके, कोई कहे कि यहीं रहने लगो, तो कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे क्या है, क्योंकि जो देखना था वो देख लिया, तो अब आपकी भूख फिर आ गई, जो भूख आपको सता रही थी, और उस भूख से बचने के लिए आप रिजॉर्ट में गए, तो वहाँ आपका मन बट गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ देर बाद में वो भूख फिर आपको परेशान करने लगती है, तो आप भूखे के भूखे रहेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जहाँ चले जाओ, जिस मर्जी के साथ में रहो, इसके साथ में शादी करो, अरे ये तो ठीक नहीं है, चलो दूसरे से कर लो, यही करते रहते ना, अब ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा, वहाँ भी वही चीज़ है। अगर दो असंतुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो क्या असंतोष पैदा करेंगे क्या? दोनों ही असंतुष्ट हैं, दोनों ही भूखे हैं, दो भिखारी मिल गए तो दोनों एक साथ रहने लगे, तो वो क्या अमीर हो जाएंगे? तो यहाँ ये जो आत्मनीय आत्मना तुष्ट है, तुष्ट माने वो संतुष्ट है, यानी कि वो गरीब नहीं है, वो भिखारी नहीं है, भूखा नहीं है, तो वो जहाँ भी जाएगा वो तो अपने आप से संतुष्ट है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको जोर से भूख लगी है और मैं कहूँ कि बैठ के जपा करो, तो भूखे भजन न होए गोपाल, ये लो अपनी कंठी माला, तो भूख से तो आपका भजन होगा नहीं, आपका ध्यान भूख में जाएगा कि भगवान में जाएगा? तो इसी प्रकार से जब हमारा मन जो है वो कामनाओं से भरा रहता है, तो हम फिर संतुष्ट नहीं रह सकते। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सो गज धन भारी धन, अलग अलग प्रकार के धन हैं, लेकिन जब संतोष रूपी धन हमको मिलता है, तो बाकी सब धन बेकार हैं, संतुष्ट हैं। तो ये स्थित प्रज्ञता तभी होती है जब हमारा मन जो है वो कामनाओं से रहित हो जाता है, और जब तक उसमें कामनाएं रहती हैं तो बुद्धि जो है वो फिर विचलित रहती है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने ये एक लक्षण बताया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसको कहते हैं। और कामनाएं जितनी मर्जी भी पूरी हो जाएं, उनका कभी अंत नहीं होता है। भागवत में एक श्लोक है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, सो हविषा कृष्ण व्रतमेव पुनरेव अभिवर्धते। कि आप कामनाओं को वो कहते हैं, कामना जो है वो अग्नि की तरह है, तो जैसे आग में आप लकड़ी डालें तो उससे क्या आग शांत हो जाएगी? तो बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपकी कामना है, एक कामना आपने पूरी कर ली तो उसके बाद में दूसरी कामना आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपकी एक ही कामना है, एक मुख्य कामना हो सकती है एक समय पर कि मेरे को शादी करनी है, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को कहीं दूसरे देश में जाना है, वहाँ का वीसा चाहिए, तो वो आपके मन में घूमता रहता है। लेकिन जब उसका वीसा मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए आप खुशी होते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर दूसरी कामना आ जाती है, अब यहाँ आ गए, अब मेरे को नौकरी ढूंढनी है, दोनों विदेश चले गए, फिर वहाँ जाके आपको नौकरी ढूंढनी है, या आपको जो भी कुछ करना वो कामना सताएगी, फिर वो भी हो गया, आप घर चाहिए, फिर आपको पार्टनर चाहिए, फिर ये चाहिए, तो वो एक के बाद चलती ही रहती है। तो जैसे आग में आप लकड़ी डालते जाइए तो लकड़ी जलती रहेगी, तो थोड़ी देर के लिए वो शांत होती है, जैसे आग जल रही है उसमें लकड़ी डालो आप, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि आग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो पकड़ रही है उसको, फिर जोर से जलेगी।
तो इसके लिए भागवत में बहुत बढ़िया एक कहानी है राजा ययाति की। तो ययाति राजा हुए और उनकी पत्नी देवयानी थी, शुक्राचार्य की पुत्री, जो देवताओं के गुरु हैं। और शुक्राचार्य की जो लड़की देवयानी थी, उसके एक सखी थी शर्मिष्ठा, जो देवताओं के गुरु नहीं, दैत्यों के गुरु हैं ये, जो दैत्यों के राजा वृषपर्वा की लड़की थी। तो वास्तव में तो वो दोनों सखियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी, लेकिन उनका आपस में कुछ कलह हो गया था कपड़ों को लेके। तो फिर वो शर्मिष्ठा ने देवयानी का अपमान किया, तो देवयानी भी गुरु की पुत्री थी, तो उसने कुछ अपशब्द बोले उसके लिए, उसने भी दूसरे के लिए अपशब्द बोले। तो देवयानी ने जाके अपने पिताजी से शिकायत की, तो वो तो गुरु हैं। तो राजा उनको क्षमा प्रार्थी होकर हुआ, तो देवयानी ने कहा कि इसने मेरा अपमान किया है, जहाँ मेरी शादी होगी मेरी दासी बन के जाएगी वहाँ पर। तो उनको मानना पड़ा, नहीं तो शुक्राचार्य छोड़ के चले जाते, और अगर गुरु छोड़ के चले जाएंगे तो दैत्य जो है वो विनष्ट हो जाएंगे। तो शर्मिष्ठा, वो भी याति का जो विवाह हुआ देवयानी से, तो शर्मिष्ठा उसकी दासी बन के आई। तो देवयानी तो महल में रहती थी और शर्मिष्ठा बगीचे में रहती थी, लेकिन वो भी युवा थी, सुंदरी थी। तो राजा ने उसके साथ भी संबंध बनाया और उसके भी पुत्र हुए और उनके भी हुए। जब उसको पता चली देवयानी को, तो बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि उसने कहा था कि इसके साथ में संबंध मत बनाना। तो बहुत गुस्से वाली लड़की थी, तो गुस्सा करके अपने पिताजी के पास चली गई वो, और जाके शिकायत की शुक्राचार्य से कि देखो इसको बोला था और इसने उससे भी बच्चे पैदा कर दिए। तो स्त्रियों में आपस में होती है ना ऐसे ईर्ष्या, उसका कुछ घाटा थोड़े हुआ है, लेकिन नहीं, मेरे इनके साथ में क्यों संबंध बनाया। तो अब पीछे पीछे राजा भी गया, राजा बहुत आसक्त था देवयानी में, तो शुक्राचार्य ने उसको गुस्से में आके श्राप दे दिया कि तू बूढ़ा हो जा, क्योंकि युवा होने के कारण ऐसा किया ना, अब तू बूढ़ा हो जाएगा तो क्या संबंध बनाएगा। तो तुरंत वो बूढ़ा हो गया। अब ययाति ने देखा कि उसकी तो कमर झुक गई, दांत गिर गए और शरीर पर झुर्रियाँ आ गई, और प्लास्टिक सर्जरी होती नहीं थी, तो बेचारा क्या करेगा। और मन में बहुत तृष्णा इच्छा थी काम भोग करने की। तो अब आपके मन में बहुत बढ़िया भोजन करने की इच्छा है, लेकिन आपका पेट खराब है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो बड़ी समस्या होती है फिर, जब आपको भोजन देख के खाने की इच्छा होती है। तब उसने सोचा कि अब तो मैं कुछ भी भोग नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी क्या करेगा, बीमारी का घर होता है बूढ़ा, जन्म जातु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उसने प्रार्थना की उनसे, शुक्राचार्य से, कि आप देखो आप ऐसा मत कीजिए, वास्तव में तो मैं आपकी लड़की का पति हूँ, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो इनको भी तो परेशानी होगी ना, इनके पत्नी जवान पति बूढ़ा। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, ये श्राप तो मेरा अपनी लड़की के लिए भी हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब क्रोधित आदमी क्रोधित होता है तो कुछ भी कर देता है ना। तो उसने कहा तुम ऐसे कीजिए कि अपने किसी एक लड़के से उसका यौवन ले लीजिए और उसको बुढ़ापा दे दीजिए, इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं आपको इतना कर सकता हूँ। तो गया अपने, उनके पांच लड़के थे, दो देवयानी से तीन शर्मिष्ठा से, तो एक एक करके सबसे पूछा उन्होंने कि भाई आप अपना यौवन मेरे को दे दो और हमारा बुढ़ापा आप ले लो। तो उन्होंने कहा वाह पिताजी, ये सही बात आप बोल रहे हो, आप तो इतना भोग भोग चुके हो और तब जाके बूढ़े हुए हो, और हम तो अभी बच्चे हैं और अभी से बूढ़े हो जाएं, हम युवा भी नहीं हुए और हम बूढ़े हो जाएं, ये क्या बात है। लेकिन उनमें से जो एक है वो मान गया पूर्व, तो उसने उनका बूढ़ापा ले लिया और वो युवा हो गए।
तो युवा हो के आप जब यथा लब्ध धने विनष्ट है, आपको पहले बहुत बड़ा धन मिल जाए और फिर वो विनष्ट हो जाए तो आपको बड़ी चिंता होती है, और वो दोबारा से फिर मिल जाए तो उसको बहुत आसक्ति से पकड़ते हो आप कि दोबारा से ना चला जाए कहीं। तो उन्होंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से दोबारा से मेरे को यौवन मिला है, मैं पूरा भोग लूँ इसका। तो उन्होंने पूरा, राजा थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, तो बहुत भोग किया, कहते हैं 1000 साल तक, यानी कि मन मर्जी से जितना भी, लेकिन फिर भी धार्मिक थे, ऐसा नहीं था कि कुछ अधार्मिक कार्य किया। और फिर उनको ये बुद्धि आई, क्योंकि पठित व्यक्ति थे, विद्वान थे, तो उन्होंने सोचा कि ये कामनाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, मैं इतने साल से भोग कर रहा हूँ और फिर भी मेरी भोग की कामना जा नहीं रही। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला था उस समय, और उसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर जितने भी भोग के साधन हैं, चाहे वो खाने के हैं, चाहे धन के हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पशु हैं, या गाड़ी घोड़ा जो भी है, वो कहता है कि वो एक मनुष्य के लिए भी परिपूर्ण नहीं है, यानी कि एक मनुष्य को भी वो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्री न द्रुहयंती मन प्रीति पुंस काम हतस्यते, यानी कि जो काम हत है, जो कामना से मरा हुआ है, यानी कि जो कामना से भरा हुआ है, तो उसको आप जो मर्जी दे दो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये उन्होंने अपना अनुभव बताया, और फिर इतना कह के उन्होंने वैराग्य ले लिया, अपना यौवन उन्होंने वापस दे दिया उनको, अपने पुत्र को, और अपना बुढ़ापा लेके वो रिटायर हो गए। वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है ना आजकल, क्या बोलते हैं इसको, VRS। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर चले गए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ स्कीम VPS है, ये VRS। तो उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये कामनाएं किस प्रकार से हमें चलाती हैं और हमारी बुद्धि को अस्थिर करती हैं। तो बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, पहले भी कहा उन्होंने कि जो अव्यवसायी हैं, जिनका मन आध्यात्मिक मार्ग पर निष्ठ नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, तो भौतिक जगत में अनेक उनकी कामनाएं और वो बदलती रहती हैं एक के बाद, तो उनकी बुद्धि जो है वो कभी स्थिर नहीं रहती है। समाधौ न विधीयते कहा था ना, कि उनकी बुद्धि जो है वो समाधि में प्राप्त नहीं होती है, यानी कि स्थिर नहीं होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, क्यों, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति के कारण उनका उनकी बुद्धि उसी में चलती रहती है। तो ये लक्षण उन्होंने स्थित प्रज्ञ का बताया। अब जो आगे उन्होंने प्रश्न किया था कि वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से चलता है, यानी कि उसके जब वो स्थित प्रज्ञ होगा, वो भी समाज में ही रहता है ना, और समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए उसके ऊपर भी समस्याएं आएंगी। तो समस्याओं का क्या मतलब होता है, प्राय करके दुख आएगा, सुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख दुख सबके ऊपर आते हैं। जैसे पहिया होता है गाड़ी का, कभी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर घूमता है ऐसे, तो ऐसे ही सुख दुख का नेमी चक्र क्रमेण वो आते जाते रहते हैं। तो उनमें उसकी स्थिति कैसी रहती है, इसका वर्णन फिर वो अगले वाले श्लोक में करते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, जिसका मन दुखों के मध्य भी अविचल रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो भौतिक आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है।
तो पिछले श्लोक और इस श्लोक में भगवान ने सात चीज़ें बताई हैं जिनसे बुद्धि अस्थिर होती है, जिनसे बुद्धि चलती है। पिछले श्लोक में तो कहा था कामना और अतृप्ति, और यहाँ पर बताते हैं उद्वेग दुख से, और स्पृहा, और राग, और भय, और क्रोध। तो दुख, स्पृहा, राग, भय, क्रोध, ये सात चीज़ें जो हैं ये बुद्धि का नाश करती हैं। और वास्तव में इनका मूल जो है वो कामना ही है, सब कामना से ही आती हैं। कामना से कई जब तीव्र हो जाती है तो उसको तृष्णा बोलते हैं, थोड़ी कम रहती है तो स्पृहा बोलते हैं। वासना, कामना, राग, ये सब एक ही चीज़ें हैं, उसकी केवल मात्रा घटती बढ़ती है तो उसको थोड़ा अलग नाम दे देते हैं। तो ये दुख और सुख ये भी मन में उद्वेग पैदा करते हैं। दुख के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दुख जो है वो उद्वेग पैदा करता है। किसके कहीं कष्ट हो तो मन उसी में लगा रहता है, कहीं पीड़ा हो शरीर में, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कहीं कुछ कट जाए तो मन वहीं चला जाता है, बुद्धि अस्थिर हो जाती है। और सुख में भी ऐसे ही होता है, जैसे दुख में मन उत्तेजित होता है ऐसे सुख में भी होता है। हालांकि ऐसे लगता है कि मन जो है वो दुख में ही उद्वेलित होता है, लेकिन सुख में भी होता है, लेकिन सुख थोड़ा प्रीतिकर लगता है इसलिए उसको हम देखते नहीं हैं। लेकिन ये हमने सुना होगा कभी कभी समाचार में कि कोई सुख के कारण मर गया, सब होता है ना, किसी को कोई बहुत बड़ा सुख का समाचार मिल जाए तो उसका हृदय गति अवरोध हो जाती है और वो मर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, सुख में क्यों हृदय गति रुक गई? इसका मतलब सुख भी एक उत्तेजना पैदा करता है, लेकिन वो मीठी उत्तेजना है, और दुख भी एक उत्तेजना पैदा करता है लेकिन वो कड़वी उत्तेजना है। जैसे कभी कभी आपके खुजली हो पैर में तो खुजाने में बड़ा आनंद आता है, वास्तव में तो एक उत्तेजना है लेकिन वो थोड़ी मीठी लगती है। तो सुख भी इसी प्रकार का है। एक्चुअली भागवत में उसको ऐसे ही बताया है, करी और कंडू ये में, कि हाथ में जैसे खुजली होती है वही है और कुछ नहीं सुख। तो वो सुख को हम चाहते हैं क्योंकि वो सुख वाली उत्तेजना हमको प्रीतिकर लगती है, इसलिए सुख के लिए कहा विगत स्पृहा, कि उसकी स्पृहा ना करना। क्यों? क्योंकि उसी से दुख आता है। जैसे आप इस कमरे में आए तो कमरे में आने का रास्ता एक ही है, चाहे कोई साधु आए इस कमरे में और या कोई असाधु आए, वो भी तो इसी गेट से घुसेगा ना। अगर कोई चोर आना चाहता है इस कमरे में तो वो भी इसी गेट से आएगा, और कोई अच्छा साधु व्यक्ति आएगा तो वो भी इसी दरवाजे से आएगा। तो दरवाज़ा एक ही है और वो है सुख का, कामना का। कामना हम किसकी करते हैं? सुख की करते हैं, और उसी के दरवाजे से पीछे पीछे दुख आता है, कहता है ये मेरे को वैसे तो घुसने नहीं देगा, लेकिन उसके साथ में आ जाता है। वो कोई साधु आदमी आ रहा है तो उसको आप आने देंगे, लेकिन उसके साथ में एक डाकू भी आ रहा है तो आपको पता नहीं है, उसके पीछे लगा हुआ है वो उसकी छाया की तरह। तो दुख जो है वो सुख की एक छाया है, उसके साथ ही चलता है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा ही, और जिस रास्ते से सुख आता है वहीं से दुख भी आएगा। तो इसलिए दोनों के लिए मना करते हैं भगवान, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्प्रिया, कि दुख में तो आप उद्वेलित, वो उद्वेलित नहीं होता है, स्थिर बुद्धि का लक्षण बता रहे हैं, और सुख की वो स्प्रिया नहीं करता। अब ये
विचित्र बात है कि यार सुख किस प्रिय क्यों नहीं करता है, इसमें क्या कमी है, सुख तो सभी चाहते हैं, सुख की इच्छा तो सभी करते हैं, भगवान इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसलिए गीता को क्या पढ़ क्यों पढ़े हैं, नहीं तो भगवान ये तो मना कर रहा है कि सुख की इच्छा मत कर। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि सुख के कारण ही दुख आता है, जहाँ से आपको सुख मिलता है दुख वहीं से मिलता है और कहीं से नहीं आता। आपको चॉकलेट खाने का सुख है तो पेट दर्द का दुख भी वहीं से मिलता है और कहीं से नहीं आता। जहाँ से भी सुख है, जिससे भी आपने सुख लिया है, दुख वहीं से आएगा। तो ये साथ में चलते हैं, इसलिए भगवान दोनों के लिए मना करते हैं। या यूँ कहिए कि दुख जो है वो वास्तव में आना चाहता है और उसको आप आने नहीं देते, तो वो मुखौटा पहनता सुख का कि बेटा तू मेरे को ऐसे नहीं आने देगा, ऐसे तो आने देगा ना। तो दुख जो है वो सुख का चोगा पहन के आता है, तो आप सोचते हो कि सुख आ गया, लेकिन वास्तव में उसके अंदर दुख बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो अंदर घुसता है। जैसे हितोपदेश में कहानी है वो यात्री की, तो यात्री को कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक झील पड़ी और झील के किनारे एक चीता खड़ा हुआ था झील के अंदर किनारे, और उसके हाथ में अपने पंजे में उसने एक स्वर्ण का बहुत बड़ा कड़ा पकड़ा हुआ था और यात्री को कह रहा था भैया इसको ले ले, इसको ले ले। तो फिर पूछता है क्या इसको कैसे ले लूँ, आप तो खतरनाक। कहता नहीं मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे दांत भी गिर गए, मैंने बहुत पाप किए अपने पूर्व जन्म में, बहुत लोगों को मारा खाया गो हत्या की। अब मैं रोज़ सुबह स्नान करता हूँ यहाँ इस पवित्र झील में, और उसके बाद में मैं दान करता हूँ, क्योंकि एक साधु ने मेरे को कहा था कि यही तुम्हारा प्रायश्चित है, अब जब तक तुम जीते हो रोज़ दान करो, तो मैं रोज़ दान करता हूँ, इसलिए आप आ गए सौभाग्य से, आप ले लो। तो उसने सोचा अच्छा यार सोने का कड़ा मिल रहा है, तो उसको लेने चला गया। वो जब उसने लेने के लिए गया तो चीता ने उसको पकड़ लिया। वो बूढ़ा था तो उसने ट्रैप बनाया हुआ था ऐसे, जैसे मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ते हैं तो कांटे में ऊपर से आटा लगाते हैं कुछ, तो उसको आवृत करके रखते हैं ना कांटे को, उसके ऊपर कुछ खाने की चीज़ लगा देते हैं वो, तो अंदर तो कांटा है और बाहर जो है वो एक मुलायम भोग्य पदार्थ है। तो मछली तो भोग्य पदार्थ के लिए आती है ना, और अंदर से कांटा रहता है, वो उसको पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही आदमी सुख के पीछे जाता है, लेकिन सुख के अंदर में दुख का कांटा फंसा हुआ है। जाता है वो सोने का कड़ा लेने के लिए, लेकिन वो पंजा चीते का है तो वो उसको पकड़ता है। तो इसलिए दोनों के लिए भगवान यहाँ कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्प्रिय। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि वीत राग भय क्रोध। तो आप राग भय और क्रोध इन तीन से मुक्त हो जाओ। तो राग किसी चीज़ में आ सकती होना, और जब हमारी किसी चीज़ में आ सकती होती है तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और उसको अगर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या कोई दूसरा उसको ले लेता है या हमें ऐसी आशंका होती है कि ये इसको ले लेगा, तो फिर हमको भय होता है। तो भय जो है वो भविष्य में होता है। भय इसलिए होता ना कि मेरा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, उसी के कारण से मन में भय पैदा होता है। हमारे मकान को कोई छीन ले, हमारे धन को कोई छीन ले, हमारे शरीर को कोई हानि पहुंचाए, तो उससे हमको भय होता है, उससे हमको आशंका रहती है। और हमारी इच्छाओं में कोई अवरोध डालता है तो उसके ऊपर हमको क्रोध आता है। तो ये भय और क्रोध ये राग के ही बच्चे हैं, यानी कि राग के कारण ही ये पैदा होते हैं।
अगर हमारे किसी वस्तु में राग ही नहीं है तो हमें भय भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति रहती है तो इसलिए ये दोनों होते हैं, तो ये साथ में ही चलते हैं, ये सारे एक साथ रहते हैं। ये वास्तव में सब एक कामना का ही परिवार है, लोभ भय क्रोध मात्सर्य ईर्ष्या सब उसी के कारण होते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि वीत राग भय क्रोध। वीत का मतलब है कि वो बीत गए हैं, यानी कि उनसे पार चला गया, यानी कि ये भूतकाल में थे उस व्यक्ति के पास में, राग इत्यादि भूतकाल में थे, अभी वर्तमान में नहीं है, यही वीत कहने का, वीत राग भय क्रोध। तो ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो इन सब दो श्लोकों में भगवान ने यही दिखाया है कि कामना जो है वो मूल कारण है, और कामना जो है वो मन में पैदा होती है, और कामना के कारण ही फिर आसक्ति और आशा, उसको प्राप्त करने की आशा रहना, और पूरी हो जाए तो फिर लोभ होता है, पूरी ना हो तो क्रोध होता है, और पूरी हो जाए और उसको कोई छीनना चाहे तो भय होता है, और पूरी हो जाए तो उसको और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा लोभ, और उससे भी ज़्यादा हो तो तृष्णा। तो ये सब एक परिवार चलता है उसका कामना का। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया है भगवान ने, कि किस तरह से हमारी बुद्धि और हमारे मन किस प्रकार से अस्थिर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे मन में अस्थिरता पैदा करती हैं, और इन्हीं के कारण फिर भी आदमी जो है वो व्यस्त रहता है मानसिक स्तर पर। और वास्तव में आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो राग भय और क्रोध, ये वात पित्त कफ, इन तीन से भी जुड़े हैं। जब क्रोध होता है तो उसका पित्त जो है वो बढ़ जाता है, जब भय होता है तो वायु कुपित हो जाती है, जब राग होता है तो कफ बढ़ता है। यानी कि ये हैं तो वास्तव में मानसिक स्तर पर, लेकिन फिर इनका असर जो है वो शरीर पर भी आता है। ये हम सब देखते ही हैं कि जब किसी को क्रोध आता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, तो ये सब पित्त बढ़ता है उसका। ऐसे जो भय होता है तो कांपता है, भय से कंपन होती है शरीर में वात, और राग से कफ होता है। तो ये इनका असर फिर शरीर पर पड़ता है, तो मानसिक रोग जो है फिर शरीर को भी हमारे को अस्वस्थ करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इनसे बच के रहना है, और इनके बच के रहने से ही आप स्थित धी स्थित प्रज्ञ होंगे, आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और उसके लिए फिर उन्होंने ये बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया यहाँ पर, मुनि, कि ऐसे व्यक्ति को फिर मुनि कहते हैं। मुनि किसको कहते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को मुनि कहते हैं। तो यानी क्यों मुनि है, क्योंकि वो मननशील है, वो जागरूक रहता है इन सब के प्रति, कि मेरे मन में किस प्रकार की कामना आई और कामना के कारण फिर क्या असर हुआ उसका, तो उसको फिर वो पकड़ता नहीं है। तो उसके लिए इसका मतलब ये मुनि जो यहाँ बता रहे हैं वास्तव में साधक है, मननशील है। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तो ये आपका एक स्वभाव ही हो जाएगा, फिर उसको लिए फिर आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जो समाधि की स्थिति हुई कि समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, कि फिर वो समाधि की स्थिति में जाता है, योग को प्राप्त हो जाता है, तो वो फिर वो एक स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। लेकिन उससे पहले अभ्यास करना पड़ता है इनके, उसके लिए मननशील होना पड़ता है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसको मुनि कहते हैं, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है।
तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत। लास्ट में जैसे मुनि का मेरा प्रश्न आ ही रहा था, फिर आपने इसको स्पष्ट कर दिया। ऋषि में क्या हो? ऋषि उसको कहते हैं जो वेद के मंत्रों का दृष्टा होता है। ऋषि अस्तु मंत्र दृष्टारः, उनको ऋषि बोलते हैं। जैसे विश्वामित्र तपस्या किया और फिर वो ऋषि बने, क्योंकि वो गायत्री के ऋषि हैं। गायत्री का साक्षात्कार किया उन्होंने, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र। तो ऐसे जो वेदों के मंत्र हैं उनके ऋषि हैं जिन्होंने उनको साक्षात किया। ऋषि का मतलब देखना, अंग्रेजी में ऋषि, सी माने देखना, री माने फिर से। राजेश जी पूछते हैं, क्या आप राग और क्रोध के मध्य अंतर बता सकते हैं? क्रोध का मतलब होता है जो आपके राग में कोई अवरोध डालता है, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और उसमें कोई अवरोध डालता है तो आपको गुस्सा आता है। जैसे साधारण बात है, आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आके आपका रास्ता रोक दे तो आपको उस पर गुस्सा आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा है कहीं जाने की और वो उसमें अवरोध डाल रहा है। तो ऐसे कोई भी इच्छा में अवरोध डाल दे तो आप भोजन कर रहे हैं या कोई आपके आपके सामने से आपकी थाली उठा ले तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। तो किसी भी कामना में कोई अवरोध डालता है तो उसमें। प्रश्न है, क्या आप मुनिशिला का अर्थ समझा सकते हैं फिर से? मुनिशिला कहाँ पर आया है यहाँ? कहाँ आया मुनिशिला? मोहिनी जी का प्रश्न है। मोहिनी जी का प्रश्न है कि नहीं, मुनिशिला आया कहाँ पर है यहाँ? तो कहाँ स्थित पर सिद्धिर मुनि रुच्यते है। मुनिशिला कहाँ से आया? भगवती दीदी का प्रश्न है कि हमारे जो अनुभव हैं, इमोशंस, वो स्थिर मन में किस प्रकार से प्रकट होते हैं? प्रकट तो इसी प्रकार से ही होते हैं। प्रक्रिया जो है, चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो या सांसारिक व्यक्ति हो, तो जो इमोशंस, जो भाव मन में आते हैं, उनकी प्रक्रिया वही है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक सांसारिक व्यक्ति हैं जिनकी सांसारिक भौतिक कामना है। एक ज्ञानी लोग होते हैं जिनकी कोई कामना नहीं है, सब त्याग देते हैं जिनकी भगवान बात कर रहे हैं। और फिर भक्त लोग होते हैं, तो भक्तों की भक्ति परक कामनाएं होती हैं। तो जिसमें भी कामना होगी, चाहे वो भक्ति परक हो, आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, तो उसमें प्रक्रिया वही है। उनकी आध्यात्मिक कामनाओं में अगर आप अवरोध डालोगे तो उनको भी इस प्रकार से आएगा गुस्सा, लेकिन वो आध्यात्मिक होगा, वो उनके बंधन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो कामनाएं जो है वो भौतिक नहीं है, अपने भोग के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। अगर कोई वास्तव में भक्त है। दूसरी बात अलग होती है कि वो आध्यात्मिक का भी एक चोगा पहनते हैं लोग और वास्तव में अपनी सांसारिक वासनाओं की पूर्ति करते हैं, ऐसा भी होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो वास्तविक भक्त हैं, साधु महात्मा हैं, तो उनके अंदर भी इमोशंस होती हैं, लेकिन वो भगवत संबंधी इमोशंस। सबका वर्णन रस शास्त्र में आता है ना, तो उसी से संबंधित। वहाँ तो नाम इसलिए दिया ना, राग अनुराग प्रणय स्नेह, ये शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन उनका विषय भगवान भगवान होता है। प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति को अपने गुरु का गुरु को की पहचान करने के लिए उसका सतोगुण में होना आवश्यक है?
सतोगुण से ही वास्तविक ज्ञान होता है। हमारा किसी वस्तु को जैसा है वैसा समझना, ये सत्वगुण का धर्म है, और उसको विपरीत समझना या ना समझना वो तमस रजस का धर्म है। तो सत्वगुण की आवश्यकता है। मुनि जी कहती हैं कि मुनिशिला आपने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया है। मैंने कहीं नहीं कहा ऐसे, पता नहीं कहाँ से सुन लिया। आपने सुना है मुनिशिल? स्थित धीर मुनिर उच्यते, मननशील बोला है ये। मुनिशील मुनिशील क्या, मननशील वो मैं कह रहा हूँ। मुनिशील कहाँ से आ गया, ऐसा कोई शब्द नहीं होता मुनिशील। मननशील का मतलब जो मनन करने का आदि है, जिसका मनन करना जिसका गुण है उसको मननशील बोलते हैं। पियुषी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आपने बताया दुख से सुख वो सत्व गुण है, दुख से दुख वो तमो गुण है, तो सुख से सुख वो निर्गुण है क्या? यही आप तत्पन हाँ हाँ जी। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। यदि एक पूर्व पक्ष रखा जाए कि प्रजाति सर्वान कामन, भगवान इसको इंडिकेट कर रहे हैं ब्राह्मण रियलाइजेशन के लिए, तो हम अपने वैष्णव सिद्धांत से इस पूर्व पक्ष का क्या उत्तर दे सकते हैं? कहाँ कह रहे हैं ब्राह्मण रियलाइजेशन के लिए? पहले आप अपना पक्ष स्थापित कीजिए, पहले सिद्ध कीजिए कि ब्राह्मण रियलाइजेशन के लिए कह रहे हैं। क्योंकि सर्वान कामन जब सब कामनाएं वो आप उसका परित्याग कर देंगे तो आप मतलब फिर उस समय आप जस्ट जैसे ब्राह्मण रियलाइजेशन अभी स्टेटस में आ जाए। कैसे आ जाएंगे? ऐसे तो भक्ति में भी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। तो जो ब्रह्म उसको ब्रह्म की कामना होगी नहीं होगी, ये वो भी नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा इसका अर्थ है भौतिक कामनाओं का त्याग। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसकी ब्रह्म ज्ञान की कामना होगी नहीं होगी उसको। अच्छा, तो उसको ये कह सकते हैं कि आपकी जो कामना है ब्रह्म ज्ञान की कामना है, तो वो भी एक कामना ही है, उसका चरण त्याग कर रहे हो। पहले आप ये सिद्ध करो मेरे को कि इससे ब्रह्म ज्ञान कहाँ आ गया यार, इस श्लोक से कहाँ ब्रह्म ज्ञान आया बताइए। मैं जैसे ब्रह्म रियलाइजेशन वाली स्टेट को समझते हुए मेरे को ऐसे लगा कि इसमें ऐसे एक पूर्व पक्ष रखा जा सकता है, बट आई थिंक तो रखने के लिए आपको सिद्ध तो करना पड़ेगा। थोड़ी के बोल दिया और पूर्व पक्ष हो गया, वो पहले उसके लिए कारण बताओगे ना कि ये कारण है। आप कुछ भी कह दो तो वो पूर्व पक्ष थोड़े हो जाएगा। आपको पूर्व पक्ष को स्थापित तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कारण देना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा। नहीं देगा फिर पहले हेतु दीजिए आप। नवदीप जी पूछते हैं, यदि मुझे नया घर, गाड़ी या फिर जॉब की इच्छा है उदाहरण स्वरूप, तो क्या मुझे इनका त्याग कर देना चाहिए और जो मेरे पास आ रहा है उसे ही अपनाना चाहिए? क्या इसका मतलब अकामोव है? अब मेरे को ये बताइए आप कि जैसे अर्जुन है, तो अगर वो सब कामनाओं को छोड़ देगा तो युद्ध क्यों करेगा? युद्ध करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ और भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। तो किसी भी विषय को समझने के लिए पूरा प्रकरण समझना पड़ता है। अगर हम एक ही श्लोक को, एक ही पंक्ति को ले लेंगे तो वो फिर उसका गलत अर्थ निकलता है। तो आगे ही भगवान कहते हैं वीत राग, तो वो आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापस से।
कहा ना उन्होंने, योगस्थ कुर कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय, उन्होंने कहा ना संगम त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति, कि उस आसक्ति को त्याग करके आप योग में स्थित होइए। तो सिद्धियो सिद्धियो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, तो इस बात को मनन करना है और इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप किसी का भी जीवन नहीं चलेगा। मैंने स्वयं पहले ही उदाहरण दिया कि मेरे को भूख लगी है तो मैं उसकी कामना करूं भोजन की या ना करूं, क्योंकि यहाँ तो कहा सर्वान कामन, भूख की जो कामना है वो तो मन में ही आती है ना, तब तो उसका मैं त्याग कर दूं तो फिर मैं भूखे मर जाऊंगा। तो इसलिए उनका जो कहने का मतलब है कि उनमें जो आसक्ति रहती है कि मेरे को मानो भोजन ही करना है, जैसे उदाहरण लें तो अब मेरे को अपनी पसंद का ही भोजन मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, और अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाऊंगा। ये बड़ी समस्या रहती है ना आश्रम में, यहाँ पे लोग तो कहते हैं ये क्या है, रोज़ वही खाना, कोई भी सब्जी हो उसमें वही स्वाद है, हमें तो ये सब झेलना पड़ता है ना, और सलाद तो मिलती नहीं है। तो उसमें भी तो मतलब मेरा जो पसंद है वो मिले तो सुख, ना मिले तो दुख। तो इसके लिए, इसको छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं भोजन के, भोजन का प्रयोजन है कि हमारे शरीर को जो है वो पोषण तत्व मिले, हम खाएं और हमारा शरीर पुष्ट रहे। लेकिन अब मुख्य चीज़ हो जाती है स्वाद, और स्वाद में रहती है राग, और जो बेस्वाद होता है उसमें रहता है द्वेष, तो फिर आपकी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। तो इसलिए हमको रहना है तो मकान भी चाहिए, मकान चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो नौकरी भी चाहिए, नौकरी पर जाना है तो कुछ वाहन भी चाहिए। लेकिन अगर उसी में आसक्ति हो जाए कि मेरे को मकान ऐसा ही मिलना चाहिए, वाहन भी यही होना चाहिए, और फिर वैसा नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, मिल जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुख होता है, आपकी बहुत इच्छा होती है कि मेरे को ये विशेष तौर का वाहन प्राप्त हो, जब आपको मिल जाता है तो कुछ देर तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते आप सुखी रहते हैं उसको देखकर, उसके बाद में एक साधारण चीज़ हो जाती है। तो ये सुख और दुख की भी एक बड़ी कहानी है कि सुख का भी अभ्यास होकर वो दुख बन जाता है, फिर वही बार बार आदमी उससे भी बोर हो जाता है। मानो आपका बहुत प्रिय भोजन है, वो एक राजा की कहानी है कि राजा उसके लिए अपने रात्रि भोजन पर बैठा, तो उसका जो पाचक था खानसामा, तो उसने बनाया, तो एक सब्जी बनाई उसने भिंडी की, तो राजा को बहुत पसंद आई, तो उसने उसको बुलाकर धन्यवाद कहा, कहता तो बहुत अच्छी सब्जी, तो उसको लगा कि अरे राजा ने ये बहुत पसंद किया, तो अगले दिन फिर बनाई उसने, तो राजा ने खाई उसको अच्छी लगी, तीसरे दिन फिर बनाई, फिर चौथे दिन उसने वही बना दी, तो उसने बुलाया कि उल्लू के पट्ठे ये क्या रोज़ तू भिंडी बनाता है, कहता और कोई सब्जी नहीं रहेगी। उसने कहा महाराज आपने ही तो कहा था कि बहुत अच्छी है और आपकी मन पसंद है, तो मैंने तो इसलिए बना रहा हूँ। तो मन पसंद भी आपको रोज़ रोज़ मिलेगा तो वो फिर आपका मन पसंद नहीं रहेगा। जितना आनंद आपको भोजन जब भूख लगी हो और आपका प्रिय भोजन वो पहले कौर में आता है, उतना दूसरे में नहीं आता, फिर वो घटता चला जाता। ऐसे कोई व्यक्ति है आपका बहुत प्रिय है, आप उसको मिले, गले मिले, बहुत आनंद लिया, अब वो तो आपको छोड़ता ही नहीं है, मानो 5 मिनट हो गए तो फिर कहेंगे अरे क्या इसने तो रीच की तरफ जकड़ लिया मेरे को, अब 10 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट तो चलता है, अब वो 5 मिनट तक आपको छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपका चाहे जितना मर्जी प्रिय हो तो कहाँ तक आपको प्रियता रहेगी। ये एक वास्तविक कहानी है कि जब दिल्ली में मुगल
बादशाह थे, तो उनका एक बादशाह था, उनका जो सेनापति था, तो स्त्री थी, जैसे पहले जो वार स्त्री होती हैं जिनको आजकल हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, उनको वार स्त्री या वेश्या बोलते थे। तो राजा भी उसके पास जाता था, और राजा जाता है मैंने कि बादशाह जाता तो फिर दूसरा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो बड़ी बेइज्जती है। कैसे तो उसको पता लगा कि सेनापति भी जाता है, तो बादशाह को बहुत क्रोध आया कि ये क्या है, हमारी हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। तो उसने अपने जो सलाहकार थे उनसे पूछा कि भाई इसको क्या दंड दिया जाए। तो उनमें एक कोई मनोवैज्ञानिक मंत्री था जो आदमी के मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानता था, तो उन्होंने कहा महाराज सबसे बढ़िया, तो बादशाह लोग तो क्या कहता है, इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसको देश से निकाल दो, ये कर दो। तो उसने कहा इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि इन दोनों को नंगा करके और फेस टू फेस दोनों के आमने सामने करके रस्सी से बांध दो 24 घंटे के लिए। तो उसने कहा ये क्या सजा है, ये तो उससे तो बहुत खुश होंगे वो, कहीं महाराज आप करके देखो इसको। तो मंत्री था, राजा जानता था कि बुद्धिमान है, तो उनको ऐसे ही किया। तो 24 घंटे उनको नंगा, बिल्कुल नंगा करते बांध दिया आमने सामने मुख करके। अब 24 घंटे वो पड़े हैं, खड़े हैं, पेशाब कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों की सांस निकल रही है एक दूसरे के ऊपर। तो 24 घंटे में उनके इतना एक दूसरे को देखकर इतनी घृणा हो गई कि जब उनको खोला तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागे। तो जो आपका सबसे प्रिय वस्तु है वो भी आपको अगर मिल जाए तो थोड़ी देर बाद उसमें भी आपकी विरति हो जाएगी। तो ये सुख की कहानी है। तो ऐसे ही दुख है, दुख कोई होता है, कुछ समय बाद उसको आपकी आदत पड़ जाती है, तो फिर आपको उसका ध्यान भी नहीं रहता कि चल रहा है। दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं, मैंने हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग, उनके पैर नहीं है तो देखते हैं, लेकिन उस आदमी को वो उसकी आदत हो गई है, वो हमेशा उससे दुखी थोड़े ही रहता है जैसा हम सोचते हैं, या अगर हमको हो जाए तो पहले कितना दुख होगा। तो हो जाता है लोगों के इस प्रकार से, एक्सीडेंट होते हैं, कुछ उसका हाथ पैर टूट जाता है तो पहले दुख होता है, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ जाती है तो उतना दुख थोड़े होता है जितना पहले होता है, एक आम बात हो जाती है। तो दुख की आदत होने से भी दुख घट जाता है। आदमी जैसे शराब पीता है या सिगरेट पीता है, तो शुरू शुरू में जब कोई पहली बार पीता है तो उसको क्या आनंद आता है, उसका नहीं आता ना। लेकिन पीते पीते उसका दुख जो है वो सुख में बदल जाता है, क्योंकि उसकी एक अकड़ होती है कि हम भी पीते हैं, तुम क्या हो, तुम तो बच्चे हो, दूध पीते हो, हम शराब पीते हाँ ऐसे कहते हैं, कहते तू क्या बच्चा, तू दूध पीता है। तो जो शराब पीता है उसकी भी अपनी एक अकड़ होती है ना, तो उस अकड़ के कारण वो पीता रहता है, फिर उसकी ऐसी आदत हो जाती है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता है। तो अब ये धुआं अंदर ले जाना, इसमें क्या सुख है, गरम गरम धुआं अपने फेफड़ों में ले जाना, इसमें भी कोई आनंद है क्या? लेकिन जो पीते हैं उनसे पूछो कितना आनंद आता है उनको। तो ये आनंद क्या पहले दिन से आया है? नहीं। तो ये दुख और सुख की ये भी कहानी है कि दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो, कोई अंतर वंतर है नहीं, दुख में सुख, सुख में दुख। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों को छोड़ो, इनको अब आनंद में जाइए, आत्मनि एव आत्मनि तुष्ट, आत्मा के आनंद में, आत्मा परमात्मा भगवान की भक्ति, उनके साक्षात्कार, उसके आनंद में संतुष्ट रहिए, फिर आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। ठीक है, अब क्या है? जी महाराज जी, धन्यवाद क्लास के लिए। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन तो दूसरे अध्याय के शुरू वाले श्लोकों में से था, जहां बताया गया था कि हम आत्मा हैं। तो
क्योंकि शरीर से हमारा अभी संबंध बना हुआ है ना, जैसे आपकी आपकी कार है और आपकी कार में कोई टक्कर मार दे तो आपको दुख होता नहीं होता, तो टक्कर तो कार में लगी है, आपको तो कुछ हुआ नहीं है, तो आपको क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे अपना मन उसमें डाला हुआ है। तो कार तो बहुत दूर की चीज़ है, अब शरीर के साथ तो हम पैदा ही हुए हैं, तो आत्मा और शरीर एक साथ दोनों का संबंध अभी बना हुआ है अविद्या के कारण, इसलिए उसकी अनुभूति हमको होती है। तो उसका दुख होना एक बात है, यानी कि दुख को अनुभव करना एक बात है, लेकिन उससे हम कष्ट पाएँ वो अलग चीज़ है। तो उस दुख की अनुभूति तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसको भी होगी, क्योंकि वो मर थोड़े गया है, वो बैठा हुआ है। जैसे अगर कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी आँख खुली है, तो वो भी तो ऐसे ही देखेगा जो ऐसा आप देख रहे हैं, तो उसकी कोई संवेदना खत्म थोड़े ही हो गई है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा ना, दुख है सु अनुद्विग्न मना, भगवान के शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि दुख में उसका मन जो है वो उद्वेलित नहीं होता। इसका मतलब दुख तो उस पर भी आता है, नहीं तो अगर दुख आएगा ही नहीं तो इस शब्द का, ये वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित धी है, मुनि है, उसके ऊपर दुख नहीं आता। प्रारब्ध से दुख सुख आएंगे, लेकिन उनसे वो उद्वेलित नहीं होता, अनुद्विग्न मना, तो उसको स्थित प्रज्ञ बोलते। जी, एक प्रश्न मेरा और था महाराज जी, जो एक इंसान के ऊपर भगवत कृपा होती है वो किस किस प्रकार की होती है, किस किस तरह की भगवत कृपा एक इंसान के ऊपर होती है? अब ये तो आपके ऊपर है कि आप किसको कृपा मानते हैं, अलग अलग लोगों के लिए कृपा का अर्थ अलग अलग है ना, तो आप किस चीज़ को कृपा मानते हैं? हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में तो कृपा यही है कि आपकी बुद्धि भगवान में लगे। सो तो भवे भवे यथा भक्ति पादी और स्तव जायते तथा कुरुष्वदेव नाथस्तम यथा प्रभु न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की त्वयि। तो हम तो केवल इसी को ही कृपा मानते हैं, लेकिन अब सांसारिक लोग हैं, किसी को पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, उसको कृपा मानते हैं। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसको कृपा समझते हैं। संदीप जी का प्रश्न। जैसे महाराज जी, जैसे शास्त्रों में गजेंद्र मोक्ष को कृपा दिखा, गजेंद्र मोक्ष को कृपा दिखा रखा है, तो महाराज जी शास्त्रों में ऐसे और भी तरह से कृपा दिखा रखी है कि? और भी तरह से मतलब? तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक सकाम भक्त होते हैं, एक निष्काम भक्त होते हैं, समझे ना। तो सकाम भक्त वो हैं जिनकी कामना कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं, जैसे ध्रुव है, तो ध्रुव महाराज को अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए था, इसी को वो कृपा मान रहा था, इसी के लिए तपस्या की और वो उसको मिल भी गया। और दूसरे निष्काम भक्त होते हैं जिनको, जैसे कहा ना महाप्रभु का जो श्लोक है, न धनम न जन्म न सुंदरी, उनको कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति चाहिए। तो वास्तव में कृपा दो ही प्रकार की है, एक भौतिक वस्तुओं की कृपा और एक आध्यात्मिक कृपा। तो जो निष्काम भक्त हैं वो भौतिक वस्तुओं की कृपा को कृपा नहीं मानते हैं, लेकिन एक आम आदमी इन्हीं को कृपा समझता है। मंदिर ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं, साधु के पास में भीड़ इसलिए लगती है कि वो कुछ चमत्कार करके आपका दुख दूर कर दे, आपका रोग निवारण कर दे, आपकी समस्या का हल निकाल दे, तो कहते हैं साधु की कृपा होगी। लोग आते हैं हमें कृपा दीजिए, हमारा ये हो जाए, उसको कृपा मानते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्षमा करना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो ये सर्वश्रेष्ठ है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये सर्वश्रेष्ठ कृपा है? हाँ, वो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, असली कृपा तो वही है, क्योंकि बाकी तो सब क्षण भंगुर है, आपको मिल जाएगी फिर वो समाप्त हो जाएगी। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो तो अनित्य हैं, चाहे वो धन है, चाहे जन है, चाहे पद है, प्रतिष्ठा है, तो अनित्य है, वो सब कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी।
सो ध्रुवाणी परित्यज्य ही ध्रुवाणी निषेवते, जो ध्रुव नित्य वस्तु को छोड़ के अनित्य वस्तु का सेवन करता है, उसको चाहता है, तो दोनों तरफ से गया, ध्रुव को तो उसने छोड़ दिया नित्य को, और अध्रुव तो चली जाएगी, अध्रुवम नष्टमेव च, तो वो कृपा क्या हुई वो। तो इसलिए वास्तविक कृपा वही है कि आप भगवान की भक्ति की प्रार्थना करें, वो प्राप्त हो, तो वही असली कृपा है, स्थाई है ना वो। संदीप जी का प्रश्न है कि चित्त वृत्त निरोधा और प्रजाति सर्वान कामान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। चलो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गृहीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।